अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं स्पेशल चिकन के कबाब बना रही हूँ। इसमें बहुत ही कम मसाले गए हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर दें और आप इसे डिनर में या सहरी में आप बनाएं। कबाब बने रहेंगे तो आपको सहरी में या अफ्तार में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक छोटे साइज की प्याज है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 8 से 9 जवे लहसुन के हैं और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। ये देखें, मैंने इसे मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 2 ब्रेड डाल दूँगी। ब्रेड डाल के भी मैं इसको पीस लूँगी। ये देखें, ब्रेड डाल के भी मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल रही हूँ। ये चिकन का थाई पीस है, आप चेस्ट का भी बना सकते हैं, लेकिन थाई का बनाएंगे तो ज़्यादा जूसी बनेगा, क्योंकि थाई के साथ फैट लगा होता है और फैट को मैंने निकाला नहीं है। 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डालने, शेजान सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच शेजान सॉस डाल रही हूँ, 1 चम्मच मायोनीज डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसको भी मैं बारीक पीस दूंगी। इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हैं या आप बटर भी डाल सकते हैं, तो मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें बहुत ही कम मसाले गए हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर दें और आप इसे डिनर में या सहरी में आप बनाएं और ये झटपट बन जाएगा। कबाब बने रहेंगे तो आपको सहरी में या अफ्तार में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इस कबाब से आप बर्गर, सैंडविच, रोल सब चीज़ें बना सकते हैं। रमज़ान के अलावा भी इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर दें तो बहुत ही आसानी हो जाएगी बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए। अब इसके आप किसी शेप के कबाब बना सकते हैं। मैं शामी कबाब वाला शेप दूंगी इसे। ये देखें, मैं इस तरह के कबाब बना लूँगी सारे। आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो मैंने कबाब बनाए हैं। अब इसके ऊपर मैं ये थैली रखूँगी। थैली रख के तो इसके ऊपर मैं कबाब रख दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े किसी भी साइज़ के कबाब बना सकते हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। और जिन घरों में छोटे बच्चे हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो आप दोपहर में लंच में भी उन बच्चों को दे सकते हैं। तो आप भी इसे बना कर रखिएगा और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।